के बारे में। सबसे पहले क्या होता है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, बताइए क्या होता है इसका मतलब? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द सेंटर ऑफ एटम। क्या होता है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड द डिस्टेंस किससे, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम या फिर एटॉमिक साइज, बराबर है। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। देन मुझे बताइए इसके ट्रेंड के बारे में। अच्छा ट्रेंड के बारे में आप लोगों को क्या बताना है बताइए मुझे। ट्रेंड का मतलब कितने ट्रेंड होते हैं? दो टाइप के ट्रेंड होते हैं। दो ट्रेंड होते हैं। कौन सा ट्रेंड होता है? पहला होता है क्रॉस द ग्रेड या फिर इसको हम क्या कहते हैं लेफ्ट राइट, बराबर या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं टू बॉटम, टू बॉटम, टू बॉटम, बराबर। चलिए मुझे बताइए इसका ट्रेंड क्या होता था, क्या होता था अक्रॉस द पीरियड या फिर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? एटॉमिक नंबर बढ़ता था। सबसे पहले क्या होता था? एटॉमिक नंबर बढ़ता था उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता था, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था, फिर जिसकी वजह से क्या होता था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता था, बराबर है। देन उसकी वजह से क्या होता था? एटॉमिक रेडियस होता था, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज क्या होता था बराबर है। उसके बाद में बताइए डाउन द ग्रुप या टॉप टू बॉटम क्या होता था? नंबर ऑफ शेल, क्या बताएंगे? नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं जिसकी वजह से हमारे सारे ग्रुप के, ठीक है। तो देखिए हमारे पास तीन ग्रुप हम लोग को पढ़ना है, 16, 17 और 18, ओके। ग्रुप 16 को ये बताइए किसका टीवी शुरू है भाई? सामने बैठकर पढ़ने की कोशिश कर रहा है उसके खंडार कर। हाँ, हेलियम, नियॉन, एरेगन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। तो ये हमारे सारे के सारे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो चलो वन बाय वन हम पहले ग्रुप के बारे में देखिए। तो बताओ ग्रुप नंबर 16 में सबसे बड़ा एटॉमिक साइज और सबसे छोटा एटॉमिक साइज किसका होगा बताइए? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का सबसे छोटा और पोलोनियम का सबसे बड़ा। राइट, वेरी गुड। तो अब मुझे बताइए व्हाई पोलोनियम के बारे में बताना ही नहीं, लास्ट वाले एलिमेंट को आपको कंसीडर ही नहीं करना है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, आपको सर इससे पहले वाले टेलुरियम तक ही जाना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा किसका होता है? ऑक्सीजन का, सॉरी सबसे छोटा किसका होता है? ऑक्सीजन का, और सबसे बड़ा होता है टेलुरियम। नंबर ऑफ शेल ज्यादा होते हैं इसलिए। टेलुरियम में नंबर ऑफ शेल ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं? टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। और आपको पता है
जब हम डाउन द ग्रुप या टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है? नंबर नंबर सेल बढ़ते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर है? सबसे छोटा किसका? क्लोरीन का। क्लोरीन और सबसे बड़ा किसका रहेगा? ज़ेनॉन का। अब अगर मैं अप्रॉक्स को पीरियड जाता हूँ, बताओ ऑक्सीजन कौन से पीरियड में प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। ठीक उसी तरह से सल्फर, क्लोरीन और एरेगॉन ये कौन से पीरियड में प्रेजेंट होते हैं? ठीक उसी तरह से सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन ये कौन से प्रेजेंट होते हैं? तो ये वाले और ये वाले ठीक। अब ध्यान दीजिए, जब मैं अक्रॉस द पीरियड जाता हूँ, अक्रॉस द पीरियड मतलब कहाँ से कहाँ? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, तो बताओ लेफ्ट टू राइट क्या होगा? अगर मैं 18 को भी कंसीडर करता हूँ तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, सबसे छोटा एटॉमिक साइज और सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका होता है? ऑक्सीजन का बड़ा और नियॉन का छोटा किसका सबसे बड़ा किसका? छोटा नियॉन, सबसे बड़ा होता है, बराबर है? और सबसे छोटा नियॉन का, नियॉन सबसे छोटा होता है, बराबर है? सही है? हाँ सर। ठीक है, ये चीज जो है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब गलत क्यों है वो मैं समझाता हूँ। आप लोगों के जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स होते हैं ना, ये ग्रुप 18 एलिमेंट्स को जब आप एटॉमिक रेडियस कंसीडर करते हो तो देखिए एटॉमिक रेडियस के बहुत सारे टाइप होते हैं। एटॉमिक रेडियस में आप लोग का एटॉमिक रेडियस के साथ साथ आयोनिक रेडियस, एटॉमिक साइज के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेडियस को कंसिडर किया जाता है। एटॉमिक साइज के लिए एटॉमिक रेडियस कंसीडर किया जाता है, आयोनिक रेडियस कंसीडर किया जाता है, कोवेलेंट रेडियस कंसीडर किया जाता है, मेटालिक रेडियस कंसीडर किया जाता है और एक वैन डर वाल रेडियस कंसीडर किया जाता है। तो इन सबको मिलाकर आप लोग का एटॉमिक साइज होता है। एटॉमिक साइज में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेडियस को कंसिडर करते हैं। तो जब आप ग्रुप 18 की बात करते हो ना, तो देखिए ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के लिए आप एटॉमिक रेडियस कंसीडर कर सकते हैं, उसका एटॉमिक साइज को डिटरमाइन करने ध्यान में रखना। ग्रुप 16 और 17 के एटॉमिक साइज को कंसीडर करने के लिए आप कौन सा रेडियस कंसीडर करते हैं? एटॉमिक रेडियस कंसीडर करते हैं। लेकिन जब बात ग्रुप 18 की आती है तो ग्रुप 18 के एटॉमिक साइज को कंसीडर करने के लिए आप एटॉमिक रेडियस को कंसीडर नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेशल टाइप का रेडियस आप लोगों को ध्यान में रखना है और वो होता है वैन डर वाल रेडियस। रेडियस का नाम क्या होता है? वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, ध्यान में रखना। कौन सा रेडियस कंसीडर किया जाता है ग्रुप 18 के लिए? वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल रेडियस। अब वैन डर वाल रेडियस क्या होता है ध्यान दीजिए। एटॉमिक रेडियस हम लोगों ने निकाला हुआ है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेकर
तो हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वहां तक का डिस्टेंस, इसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। वैन डर वाल रेडियस क्या होता है कि मेरे पास कंसिडर कीजिए कि दो मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल है बराबर है। इन दो मॉलिक्यूल में से जो आजू बाजू वाले एटम होते हैं है ना, जैसे इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये एटम है, ये बी एटम है, ये ए एटम है, ये बी एटम। तो इसमें से आजू बाजू वाले कौन से एटम हो गए, ये बी और ए। ओके, तो ये आजू बाजू वाले मतलब क्या होते हैं, नियरेस्ट एटम। आजू बाजू वाले मतलब नियरेस्ट एटम में इसको बोल रहा हूँ। तो ये नियरेस्ट एटम के सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, दोनों के सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वैन डर वाल रेडियस। समझ में आ रहा है वैन डर वाल रेडियस क्या होता है? ओके, तो वैन डर वाल रेडियस क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ टू नियरेस्ट एटम ऑफ टू मॉलिक्यूल। ओके, वैन डर वाल रेडियस क्या होता है, ध्यान दीजिए क्या होता है, डिस्टेंस किसके बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, दो सेंटर है इसीलिए ऑफ दो न्यूक्लियर से इसलिए न्यूक्लियर है, सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियर ऑफ टू, और ये जो एटम है ये कैसे है, नियरेस्ट एटम, टू नियरेस्ट एटम्स ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बराबर है, ध्यान में रखना दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, उसके दो नियरेस्ट एटम, ये दो नियरेस्ट एटम है, इसके सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वैन डर वाल रेडियस। तो आप देखिए ये वैन डर वाल रेडियस है या एटॉमिक रेडियस है, कौन सा रेडियस बड़ा दिखाई दे रहा है? वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस से हमेशा बड़ा होता है, वैन डर वाल रेडियस क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, क्लियर है? समझ आ रहा है? तो इसीलिए जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो तो बताओ सबसे छोटा और सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस कहाँ होगा? सबसे बड़ा नियॉन का। सबसे बड़ा हमेशा किसका होगा? ग्रुप 18 का। तो सबसे बड़ा किसका होगा यहाँ पर? नियॉन का। नियॉन का सबसे लार्जेस्ट अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और सबसे छोटा फिर किसका होगा? क्लोरीन का। क्लोरीन का आपको पता है क्लोरीन और ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक रेडियस कंसीडर करते हैं, और एटॉमिक रेडियस की खास बात ये होती है कि लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज होता है, इसीलिए ऑक्सीजन और क्लोरीन में छोटा स्मॉलेस्ट किसका होगा? फ्लोरीन का। और क्योंकि आपका नियॉन के ग्रुप 18 एलिमेंट होता है, और ग्रुप 18 एलिमेंट के लिए हम वैन डर वाल रेडियस को कंसिडर करते हैं, इसीलिए ग्रुप 18 एलिमेंट का रेडियस हमेशा कैसा रहेगा, सबसे बड़ा रहता है। क्लियर है? समझ में आ गई ये बात? हाँ सर। ये हो गया हमारा एटॉमिक रेडियस के बारे में जानकारी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लेते हैं, इसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आपको पता था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन गैसियस एटम to form the gaseous anion is called as the ionization enthalpy, okay? Then, और हमने ये भी देखा था कि ionization enthalpy जो होती है उसके लिए delta H की value हमेशा कैसी होती है? Positive होती है, बराबर है? क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी होती है? Energy को लगानी पड़ती है। अब हम इसके regard में बात करें, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, आपको क्या लग रहा है? Ionization energy में जो हम लोग को energy लग रही है electron को remove करने के लिए, बराबर है? इसको रिमूव करने के लिए एनर्जी हम लोग को क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब बताओ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करता है? न्यूक्लियर चार्ज। वेरी गुड। इसके ऊपर डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर।
अब बताइए न्यूक्लियर चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर के ऊपर। एटॉमिक नंबर, समझ में आ गया? तो अल्टीमेटली अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी लग रही क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा रहेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कैसी रहेगी, ज्यादा या कम? ज्यादा ज्यादा रहेगी, वेरी गुड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो फिर बताइए एटॉमिक नंबर अगर बढ़ता है तो क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, चार्ज बढ़ता है, चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। क्या मतलब, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, मतलब ग्रुप नंबर 16 टू 17, ओके, कैसे जा रहे हैं अक्रॉस द पीरियड, जब जा रहे हैं Across the period, okay, चलो हम neon भी डाल देते हैं यहाँ पर, across the period, या फिर कैसे जा रहे हैं हम लोग, left to right जा रहे हैं, तो बताइए फिर क्या होता है left to right, आप लोगों को बताइए क्या होगा left to right जाने पर? Atomic number बढ़ेगा। क्या होता है left to right अगर हम जाते हैं तो क्या होता है भाई? Atomic number बढ़ता है। Atomic number बढ़ेगा, Atomic number बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो बताइए फिर जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसमें से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन में से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? नियॉन की, मतलब ग्रुप 18 की, ओके, और सबसे छोटी किसकी होंगी? ऑक्सीजन की, ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जब क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? लेफ्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, वो तो आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसलिए एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्या वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्या वजह से? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। देखिए मैं ये ग्रुप 15 के पहले, ग्रुप 15 वाला एलिमेंट भी डाल देता हूं नाइट्रोजन। अब मुझे बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा रहेगी और किसकी कम रहेगी? ऑक्सीजन की ज्यादा रहेगी और नाइट्रोजन की कम रहेगी, ऑक्सीजन की ज्यादा रहेगी और नाइट्रोजन की कम रहेगी, बराबर है, राइट, सही है, सही है ना? जो तुझे लेफ्ट टू राइट जाने पर, अरे हाँ या ना? हाँ सर, तो हम लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इसीलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में से आयनाइजेशन एनर्जी कितनी ज्यादा होती है? ग्रुप 16, और ग्रुप 16 की कम होती है, ठीक है। अब सवाल आता है कि भाई ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था हर एक ग्रुप का, याद है आपको? हाँ याद है, तो बताइए क्या था ग्रुप 16 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 ns2np4 17 का क्या था? ns2np5 और 18 का क्या था?
NS2 NP3. अब ध्यान दीजिए, इसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है, सभी पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है NP, सभी का NS और NP दोनों होते हैं, बट अभी क्योंकि NS में तो सभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही नहीं है, तो हम लोग सिर्फ P के बारे में ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए P है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो इसमें खास बात क्या होती है, P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिक्स होते हैं। अब P में जब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं? Completely filled. और जब उसके आधे इलेक्ट्रॉन होते हैं, आधे मतलब कितने? Half filled. Exactly half filled, बराबर है? Then, और इसको हम क्या कहते हैं? Complete filled. और बचे हुए को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोगों को अच्छे से पता है, जब आप लोगों का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैसा होता है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फिर कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो वो क्या करता है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है। वेरी गुड, क्या करता है वो? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है, बराबर है। अब जब ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करेगा, ठीक है, तब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या और भी ज्यादा मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा मुश्किल। मतलब ये वाली चीज कौन सी? ग्रुप 15, जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होता है, जिसके वजह से वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है, ठीक है, जिसके वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा? To remove an electron is become very difficult. To remove electron become very difficult. ये काफी ज्यादा difficult हो जाता है, बराबर है? और जिसके वजह से इसकी ionization energy क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. And this is what the reason group 15 elements की जो ionization energy होती है, वो group 16 elements से ज्यादा होती है. Clear है? समझ में आ गया आपको? हाँ सर. डाउन द ग्रुप और टॉप टू बॉटम, बराबर है? तो चलिए अभी बताइए इसके ट्रेंड के बारे में। तो बताइए क्या होता है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं या डाउन द ग्रुप आते हैं? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, जिसके वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। कम हो जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो जैसे न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है। तो जब टॉप टू बॉटम हम जाएंगे, मतलब ग्रुप 16 के एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, पोलोनियम को तो कंसिडर करना नहीं है, तो बताओ ग्रुप 16 में आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है और सबसे कम किसकी है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की और सबसे कम टेल्यूरियम की। वैसे ही ग्रुप 17 के बारे में बताइए कि सबसे ज्यादा और सबसे कम किसकी रहेंगी? फ्लोरीन की सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, सबसे कम आयोडीन की। ज्यादा फ्लोरीन की। अगर वैसे ग्रुप 18 का पूछा नहीं जाता है, बट अगर पूछा गया तो बताइए फिर कितना हो जाएगा? सबसे ज्यादा हेलियम, नियॉन, हेलियम, सबसे कम ज़ेनॉन, नियॉन का सबसे ज्यादा और ज़ेनॉन का सबसे कम। ओके, ये समझ में आ गया?
अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये जरूरी है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ चार है ग्रुप 16 में, ग्रुप 15 में पांच है, ग्रुप 16 में इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मुझे बताओ कि मैं वन बाय वन सब इलेक्ट्रॉन को जब निकालूंगा तो हर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे एनर्जी लगेगी। हाँ राइट। और मुझे बताओ कि ये जो सारी की सारी एनर्जी मुझे लगेगी ये सेम रहेंगी या अलग अलग? अलग अलग रहेगी। अलग अलग। अच्छा श्योर हो? हाँ। देखिए जैसे मेरे हाथ पे अभी मार्कर है, चार मार्कर है, अब हर बार मैं अलग अलग मार्कर को उठा रहा हूँ, निकाल रहा हूँ यहाँ से हाथ से, तो मुझे हर बार एनर्जी सेम लगेंगी या डिफरेंट डिफरेंट लगेगी? डिफरेंट 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 लग रही क्या? हर बार मार्कर उठाए तो मुझे सेम एनर्जी लगानी पड़ी या डिफरेंट? सेम सेम। तो इलेक्ट्रॉन में भी जब मैं रिमूव करूंगा तो मुझे सेम एनर्जी लगेगी या डिफरेंट डिफरेंट लगेगी? सेम डिफरेंट लगेगी। डिफरेंट लगेगी, डिफरेंट ही लगेगी। क्यों? आप देखिए क्या होता है, कंसीडर कीजिए कि भाई एक ऐसा पर्टिकुलरली एटम है जिसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। अगर मैंने बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन के हिसाब से और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूक्लियर चार्ज को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है? मतलब 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन तो का रेशो 1। तो हम मान के चल लेते हैं कि भाई इसका जो क्या है न्यूक्लियर चार्ज है वो 1 है राइट नाउ, बराबर है। तो न्यूक्लियर चार्ज 1 होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करते टाइम कंसीडर करो कि मुझे आयनाइजेशन एनर्जी 1 लग गई, तो न्यूक्लियर चार्ज 1 था। अब पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में आप बताओ कि यहाँ पर प्रोटॉन कितने बचेंगे मेरे पास? 11 11 ही बचेंगे, बट इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में? इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 10 10 अब मुझे बताओ यहाँ पर मेरा फिर क्या हो जाएगा, ये 1.1। हाँ। आपको पता है बढ़ेगी। अब मैंने सेकंड इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया, अब थर्ड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन के टाइम पर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही रहेंगे 11, बराबर है। बट प्रोटॉन अभी इलेक्ट्रॉन 4 कम हो गए हमारे, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अभी? 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, बराबर है। अल्टीमेटली जितनी जो वैल्यू रहेंगी वो और ज्यादा हो जाएंगी राइट। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेंगे, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान में रखना है क्या कि जब जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालते जाऊंगा तो हर नया इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे जो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी वो हमेशा ज्यादा रहेगी। तो इसको हम कहते हैं जैसे पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, या फिर इसको ही कहा जाता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? हाँ सर। डन। सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली आयनाइजेशन एनर्जी को हम क्या कहेंगे, IE2, या फिर कहा जाएगा इसको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली आयनाइजेशन एनर्जी को हम क्या कहेंगे, IE3 या फिर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? हाँ सर। तो बताइए। हाँ सर। IE1, IE2 और IE3 इनमें से बड़ा कौन होता है? IE3 बड़ा होगा। देन कौन बड़ा होगा? IE2। IE2 और सबसे छोटा कौन होगा? IE1। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। ये होती है आप लोगों की आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है? ये क्या होती है आप लोगों की आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ सर। आया ना? हाँ सर। ओके, डन। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी की, तो जिस प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
तो सबसे पहले मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी की डेफिनेशन क्या होती है, वो तो हम लोग ऑलरेडी देख बताइए क्या होती है एनर्जी इवॉल्व रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू एन आउटर मोस्ट ऑर्बिट एनर्जी रिक्वायर्ड या एनर्जी इवॉल्व एनर्जी इवॉल्व ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है भाई क्या एनर्जी रिक्वायर्ड क्या एनर्जी इवॉल्व होती है एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन गैशियस एटम इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ गैशियस एटम टू फॉर्म गैशियस एनायन बराबर है। ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी होती है इस इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पी जी एच ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई जी एच। ओके अब ध्यान दीजिए ये जो डेल्टा ई जी एच होता है ठीक है इसकी वैल्यू क्या होती है निगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है निगेटिव। ओके तो वैल्यू दिस वन इज अ निगेटिव। चलो अब इसके ट्रेन के बारे में हम लोग समझते हैं ठीक है। तो सबसे पहला ट्रेन कौन सा होता है हमारा Across the period और left पहला ट्रेन होता है हमारा across the period या फिर left to right। तो बताइए क्या होता है across the period या left to right आप लोग को पता ही है आप लोग बस वही ध्यान रखो जो आप लोग को पता है उसके हिसाब से इसको उसके साथ क्या करो रिलेट करो बताओ क्या होता है एटॉमिक नंबर बढ़ता है एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी बढ़ेगी क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी अब सोचते क्या तो ये मेरा एक एटम है ये मेरा न्यूक्लियस है ठीक है यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव और न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो किसके बीच में होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव के बीच मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो हम ऐड करें और ये न्यूक्लियस इसके बीच में होता है तो अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा आसानी से ऐड होगा या मुश्किल से ऐड होगा आसानी से ऐड होगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा रहेगा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ज्यादा रहेगी समझ में आ रहा है ध्यान दे रखना क्या होता है एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी भी बढ़ेगा बराबर है। बस ध्यान में रखना इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी जो होती है वो निगेटिव वैल्यू है बराबर है। तो कंसिडर कीजिए मैं यहाँ पर जो एटम लिख रहा हूँ ऑक्सीजन फ्लोरिन नियॉन को छोड़ दो आप ठीक है फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं इसको छोड़ते मैं बाद में समझाऊंगा। तो बताओ ऑक्सीजन और फ्लोरिन में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी किसकी रहेगी फ्लोरीन की ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी किसकी रहेगी ठीक है फ्लोरीन इसके हिसाब से देखो ना फ्लोरीन की ज्यादा रहेगी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ज्यादा रहेगी और ऑक्सीजन की कम रहेगी ज्यादा मतलब क्या 200 और इसकी 100 बराबर है ऐसा ही
हाँ हाँ सर भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू तो नेगेटिव होती है ना। हाँ तो फिर इसको क्या प्लस 100 प्लस 200 करना है या माइनस 200 प्लस माइनस 100 करना है? माइनस 100 माइनस 200 माइनस 100 प्लस माइनस 200 माइनस 100। अब मुझे बताओ बड़ी वैल्यू कौन सी है, माइनस 100 या माइनस 200? माइनस 200। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रही है, या फिर कोई एक और पर्टिकुलर वर्ड ध्यान रखना क्या कि नेगेटिव वैल्यू, कौन सी वैल्यू? नेगेटिव वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू कम होगी। नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है, नेगेटिव वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। ये अच्छे से दिमाग में डाल दो, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि नेगेटिव वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है या बढ़ रही है? अच्छे से देखो, बढ़ रही। नेगेटिव वैल्यू क्या हो रही है? क्वेश्चन है वो भूल रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। बताओ भाई क्या हो रही है, निगेटिव वैल्यू कम हो रही है या बढ़ रही है? मैं बोल रहा हूँ निगेटिव वैल्यू, ध्यान में रखना। सिंपल सा अगर आप लोगों को पूछा गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रहा है, तो वो आप आसानी से बता दूंगी कि भाई बढ़ रहा है। यहाँ क्वेश्चन वही होता है कि निगेटिव वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव वैल्यू जो है वो कम हो रही है या बढ़ रही है? कम हो रही है। कम हो रही है या बढ़ रही है निगेटिव है? कम हो रही। कम कैसे हो रही? माइनस 200 बढ़ा या माइनस 100?